तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने लगे कैसे आप अपनी बॉडी को छोटा और फेस को बड़ा शो कर सकते हो। तो हो सकता है कि जो लाइन अभी मैंने आप लोगों को बोली वो आपको समझ ना आए। तो ये मेरी एक नॉर्मल सी फोटो है जो कि मैंने अपने यूट्यूब के थंबनेल के लिए क्लिक की थी। अब ये एक नॉर्मल फोटो है, बट जब हम लोग इसे एडिट करेंगे तो फोटो जो है नॉर्मल से कुछ इस तरह की हो जाएगी, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा हेड जो है वो बड़ा हो गया है और जो मेरी बॉडी है वो छोटी शो हो रही है। तो आप लोगों ने ऐसे फोटोज बहुत सारे थंबनेल में देखे होंगे जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और ये आप लोग सिंपल 3 स्टेप से एडिट कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप लोगों को फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आप लोग इस तरह की फोटो एडिटिंग अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को कोई भी अपनी एक फोटो अच्छी सी क्लिक कर लेनी है, जिसे आप लोगों को हेड बड़ा और बॉडी को छोटी करना है। फोटो क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहां पर सर्च करना है BG। जैसे आप लोग BG सर्च करोगे तो ये एक बैकग्राउंड रिमूवल वेबसाइट है जो कि आपके फोटो के बैकग्राउंड को आपको रिमूव करके दे देगी। तो मैं यहाँ पे जो अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया हूँ, यहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को PicsArt एप्लीकेशन ओपन करना है और PicsArt एप्लीकेशन में उस वाली फोटो का इम्पोर्ट कर लेना है। तो जो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था उस फोटो का मैंने यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लिया है। नीचे आप लोगों को काफी सारे टूल्स मिलेंगे, उसमें आप लोगों को स्लाइड करना है। टूल आप लोगों को मिलेगा कटआउट नेम से, आपको कटआउट पे क्लिक करना है। कटआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो हेड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको हेड पे सिलेक्ट करना है। इससे होगा क्या, जो हमारा हेड है सिर्फ वही कटआउट होगा। मैंने यहाँ पर हेड को सिलेक्ट कर लिया है, बट कुछ पोर्शन जो है मेरे बॉडी का वो अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे जो ब्रश वाला ऑप्शन आ रहा है आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका जो पोर्शन वो रह गया है आपको उसे जो है कवर कर लेना है। जैसे मेरा जो राइट हैंड साइड का ईयर है वो बच गया है तो मैं इसे कवर कर लेता हूँ। कवर करने के बाद अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर आप लोगों को एक सिंबल दिखाई देता है। आपको जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों की फोटो जो है वो किस तरह से दिखाई देगी कटआउट होने के बाद, वो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। उसके बाद भी अगर आप चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ से आप लोग कटआउट कर सकते हो। जैसे कि आपको नीचे जो इरेज का ऑप्शन दिख रहा है आपको इरेज पे क्लिक करना है और जो भी आप लोग लगता है कि जो पार्ट एक्स्ट्रा है आप लोग उसे जो है धीरे धीरे रिमूव कर सकते हो इरेजर के हेल्प से। अगर कुछ पार्ट ज्यादा ही इरेज हो गया तो आप लोग ब्रश पे आना है। ब्रश पे आने के बाद इसकी साइज को लो करके पर जो भी पार्ट एक्स्ट्रा इरेज हो गया था आपको उसे जो है रिकवर कर लेना है। उसके बाद हम लोग जो इसे डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल फोन में। डाउनलोड करने के बाद वापस से आप लोग अपना PicsArt एप्लीकेशन ओपन करना है। PicsArt एप्लीकेशन ओपन करने के बाद एडिट अ फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको काफी सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो कोई और भी बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकते हो, बट अभी मैं यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को चूज कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेने के बाद नीचे जो हमें टूल्स का ऑप्शन दिखता है इसमें हमें जो ऐड फोटो के टूल को सिलेक्ट करना है। तो ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद जो हमारी मेन फोटो थी, ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद जिस इमेज का हम लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव किया था उस इमेज को यहाँ पर हम लोगों को इम्पोर्ट करना है और इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो वापस से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस बार हम लोगों ने जो PicsArt से कट ऑफ किया था उस वाले फोटो को यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं उस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी एक जो पूरी फोटो थी जिसे मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था वो भी यहाँ पर आ चुकी है और जो मैंने हेड कट ऑफ किया था वो भी यहाँ पर जो है आ चुका है। तो अभी हमारा जो हेड वाला इमेज है उसे हम लोग की साइज को जो है इंक्रीज करना है। आप लोगों को कट ऑफ करने के टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो नेक है उतना ही पोर्शन जो है, यानी कि जो हेड का पोर्शन है उतना ही पोर्शन आप लोगों को कट ऑफ करना है। तो उसके बाद आपको अपनी हेड की साइज को इंक्रीज करना है और ठीक अपने हेड के ऊपर जो है वो फिक्स कर देना है। उसके बाद आपकी जो इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आपको अपना जो एडजस्टमेंट है वो अपने इमेज के हिसाब से करना है। यहाँ पर मैं अपने इमेज के हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली हमें इसे जो डाउनलोड कर लेना है। अभी हमारे पास एक PNG फॉर्मेट में हम इसे किसी भी थंबनेल में यूज कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में हम लोग जो है इसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो किसी भी इमेज का हेड बड़ा और बॉडी को छोटा कर सकते हो अपने मोबाइल फोन के हेल्प से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से प्रेस कर लेना।